आदाब, यह है समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आलमी समय। मैं हूं सैयद फैसल अली और आज तकरार में मेरे साथ मौजूद हैं जाने माने पत्रकार और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आशुतोष। आशुतोष जो हमेशा दूसरों का इंटरव्यू लेते रहे, आज हमारे साथ हैं और कुछ तल्ख और कुछ अच्छे सवालों का जवाब देंगे। आशुतोष, आपका खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष। आपसे सबसे पहला सवाल कि आपने एक बहुत अच्छा करियर और एक बहुत अच्छे चैनल से आप जुड़े रहे और आपका ऐसे भी करियर बहुत अच्छा रहा है, उसको छोड़ करके इस तरफ छलांग क्यों लगाई जिसके बारे में आप खुद हमेशा ये कहते रहते हैं ये गंदा तालाब है, इसमें नहीं जाना चाहिए? देखिए, गंदा तालाब था इसीलिए मैंने बीजेपी, कांग्रेस और दूसरी राजनीतिक पार्टियां नहीं चूज की, और गंदा तालाब था इसीलिए मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने का फैसला किया, क्योंकि एक ऐसी पार्टी आई जिसको देखकर ये लगा कि ये लोग ईमानदार राजनीति करना चाहते हैं, ये सिर्फ चुनाव जीतने के लिए राजनीति नहीं करना चाहते बल्कि वाकई में ईमानदारी से काम करना चाहते हैं। 23 साल मैंने जर्नलिज्म किया, 8 साल मैं एडिटर था, और आपको पता है जब आप आदमी एडिटर होता है तो वो कम से कम टॉप पॉलिटिशियंस, टॉप ब्यूरोक्रेट्स से उसका इंटरेक्शन होता है। नहीं, लेकिन आपके बारे में लोग हमेशा ये कहते थे कि शुरू से आशुतोष जो आपके जानने वाले हैं, आपके मित्र हैं, एक दो चार लोगों को मैं जानता हूं जो आपके साथ पढ़े भी हैं, कि वो हमेशा से एक्टिविस्ट रहे हैं और हमेशा से उनका राजनीतिक एक विचारधारा रही है, एक सोच रही है, तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि आपको राजनीति में जाने का विचार नहीं था? नहीं, राजनीति में जाने का विचार कभी नहीं था। हाँ, एक्टिविस्ट में जरूर था, यूनिवर्सिटी डेज में भी एक्टिविस्ट था और जर्नलिज्म में भी। मैंने हमेशा, जो लोग कहते थे कि आप न्यूट्रल होना चाहिए, मैं हमेशा मानता था न्यूट्रलिटी नाम की कोई चीज नहीं होती है। तो आप मानते हैं कि आप न्यूट्रल नहीं थे? नहीं, न्यूट्रल में कभी नहीं था। मैं हमेशा मानता था कि जर्नलिस्ट को एक स्टैंड लेना चाहिए, जो उसका कन्विक्शन और जो उसका उसका जो करेज है कि अगर कहता है कि नहीं ये सच है तो वो बात। और मैंने जब भी IBN 7 को मैंने हेड किया, हर मुद्दे पर हमारा स्टैंड था। लेकिन अगर आप ये कहेंगे आशुतोष कि पत्रकार को न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए और साइड लेना चाहिए, तो ये जो पेशा है, ये जो इतना नोबल प्रोफेशन है, इसके ऊपर से लोगों का जो विश्वास है, जो उनका कॉन्फिडेंस, वो हट जाएगा कि नहीं नहीं आशुतोष बोल रहे हैं तो इनका कुछ अपना है, अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन है, अगर कोई दूसरा बोल रहा है तो उसका अपना पॉलिटिकल एफिलिएशन है या इंटरेस्ट है। तो ये जो आप कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी मीडिया की जो क्रेडिबिलिटी है। बिल्कुल नहीं, मैं यही बात आपसे कहना चाहता हूं। देखिए क्या होता है, जब आप किसी वेस्टेड इंटरेस्ट के तहत अपनी ओपिनियन को छुपाकर और किसी पॉलिटिकल पार्टीज को सर्व करते हैं, प्रॉब्लम उसमें है। अगर मेरी ओपिनियन, अगर दुनिया को पता है कि मेरी ये राय है और उसके हिसाब से मैं खबरों को तय करता हूं, तो लोगों को पता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, सच कह रहा हूं। अगर आप लंदन के अखबारों को एग्जाम्पल लेंगे, द गार्डियन, दुनिया को पता है कि द गार्डियन लेफ्ट लीनिंग का अखबार है, वो हमेशा लेबर को सपोर्ट करता है। दूसरे अखबार है जैसे द टाइम्स, वो हमेशा टूरिस्ट को सपोर्ट करते हैं। इसी तरीके से अगर आप US के अंदर भी जाएं तो दुनिया में हर जगह, जब आप हिंदू अखबार लीजिए, हिंदू अखबार हिंदुस्तान के इतना प्रेस्टीजियस अखबार है, लेकिन दुनिया को पता है कि वो लेफ्ट लीनिंग का अखबार है, वो एंटी बीजेपी स्टैंड लेके चलता है। उसमें कोई बुराई नहीं है, जब तक कि आपके व्यू पॉइंट्स, आपका नजरिया बिल्कुल साफ ट्रांसपेरेंट ना हो, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके ऊपर ये इल्जाम लगता रहा है हमेशा कि जब अन्ना हजारे का मूवमेंट हुआ तो आशुतोष एक न्यूज चैनल के एडिटर से ज्यादा अन्ना हजारे के एक्टिविस्ट के तौर पे बिहेव किया और हमेशा कई चीजें हुई, टोपी लगाना और बहुत सारी चीजें हुई, तो इसको आप कैसे देखते हैं, आप कैसे जस्टिफाई कीजिएगा जब आप एडिटर थे और उस वक्त इस तरह से अन्ना हजारे के मूवमेंट को आपने प्रमोट किया और प्रोजेक्ट किया मीडिया में और लोगों तक पहुंचाया, तो कहीं ना कहीं इसको लेके सवाल तो उठेगा कि क्या सिर्फ अन्ना हजारे का मूवमेंट ही था जिसको आप दिखाना चाह रहे थे, उस वक्त और कोई दूसरे इशू नहीं होते थे? देखिए, मुझे लगता है कि पत्रकारों को भी अपना नजरिया बदलना चाहिए। हिंदुस्तान का इंटेलेक्चुअल क्या है ना, वो एक खास तरीके के खांचे में चीजों को देखने का आदी हो गया, वो अपने व्यू पॉइंट्स को, अपने नजरिए को बदलने के लिए तैयार नहीं है। अन्ना हजारे का आंदोलन जिस दिन जो शुरू हुआ, उस दिन से मुझे इस बात का अंदाजा हो गया था, और मैंने 2009 के चुनाव के ठीक पहले नई दुनिया में मैंने एक कॉलम लिखा था। उस कॉलम में मैंने कहा था कि हिंदुस्तान का समाज बहुत तेजी के साथ बदल रहा है, जाति धर्म की तमाम बाध्यताएं और बंधन मर्यादाएं टूट रही हैं, और अभी भी मुझे बड़ा गर्व है कि मैंने वो आर्टिकल लिखा था। और जब ये वाकया हो रहा था तो वो बदले हुए हिंदुस्तान का नजरिया था। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान में आने वाला जो चेंज था उसको आपने पहले देख लिया? मैंने बिल्कुल बहुत पहले देखा। उस वक्त के अगर आप तमाम जो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स थे, जो बड़े बड़े एडिटर्स थे, उन्होंने उस आंदोलन को रिडिकुल करने का काम किया। और 8 दिसंबर को जब दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल को 28 सीटें मिली, आम आदमी पार्टी को 28 सीटें मिली, वो तमाम इंटेलेक्चुअल्स, वो तमाम एडिटर्स सडनली उन्होंने उसकी तारीफ के पुलिंदे बांधने शुरू कर दिए। इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो एकेडमिक वर्ल्ड है, जो इंटेलिजेंसिया है, वो स्टैंड लेने से डरता है।
मैं स्टैंड लेने से कभी नहीं डरा, और मैं आपको बड़ी ईमानदारी से कहूं, मैं बड़ी ईमानदारी से महसूस करता था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आंदोलन चल रहा है तो हमें पूरी शिद्दत के साथ उसका समर्थन करना चाहिए। लेकिन मैं ये भी चाहता था कि मैं कहीं उससे पूरी तरीके से प्रभावित होकर खबरों पर उसका असर ना पड़े। कई बार मुझे हुआ कि आप अन्ना हजारे से मिल लीजिए, मेरे पास ऑफर था, और आप यकीन मानिए, लोग मेरी बात को यकीन नहीं करेंगे, मैं अन्ना हजारे से मिला नहीं। नहीं, आपने कहा कि आप अपनी बात को इतनी मजबूती से कहते हैं कि बहुत सारे लोग आपको एरोगेंट होने का आपके ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि आशुतोष बहुत एरोगेंट हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? आपके ऊपर हमेशा ये इल्जाम लगा है लेखों में भी, आर्टिकल्स में भी, और आम बोलचाल में भी कि ये बहुत एरोगेंट है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू के सामने ये किसी दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं सुनते हैं। चलिए, कम से कम एरोगेंट होने का अगर आरोप मेरे ऊपर लग रहा है तो अच्छी बात है। कम से कम कोई ये तो नहीं कह रहा है कि यार पैसे लेकर खबर कर देता है या किसी पॉलिटिशियन पॉलिटिकल पार्टीज खामखा उसको फायदा पहुंचाता। देखिए, सच्चाई में एरोगेंस होना चाहिए। अगर सच्चाई में एरोगेंस नहीं होगा तो क्या झूठ में एरोगेंस? सच्चाई में एरोगेंस और एक्टिविज्म में एरोगेंस? बिल्कुल, एक्टिविज्म में भी एरोगेंस होना चाहिए। एरोगेंस का मतलब देखिए क्या होता है, एरोगेंस का मतलब यह नहीं होता कि आप किसी को इंसल्ट करें। एरोगेंस का मतलब यह नहीं होता कि आप किसी के ऊपर अपने विचारों को थोपे। आप जिसको एरोगेंस कहते हैं, मैं उसको कन्विक्शन ऑफ करेज ऑफ कन्विक्शन कहता हूं कि अगर मेरे अंदर इतनी हिम्मत है, इतनी दिलेरी है कि जो बात मैं महसूस करता हूं उसको पूरी शिद्दत के साथ रखूं। चलिए, आपने अच्छी बात की, करेज ऑफ कन्विक्शन बहुत अच्छी बात है आशुतोष, लेकिन ये बताइए, आपका करेज ऑफ कन्विक्शन सिर्फ करप्शन के खिलाफ था या किसी और चीज के लिए? करप्शन से आपके खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि करप्शन से बड़ा मुद्दा है कम्युनलिज्म, तो ये करेज ऑफ कन्विक्शन जो है आपका, वो कम्युनलिज्म को लेकर क्यों नहीं दिखता है? देखिए, जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि हिंदुस्तान के अंदर अगर चंद कुछ लोग हैं जिन्होंने सांप्रदायिकता के खिलाफ बहुत तगड़ा स्टैंड लिया, या नरेंद्र मोदी के खिलाफ जिन्होंने तगड़ा स्टैंड लिया, उनमें से उन चंद लोगों में से मैं एक हूँ। और मैंने अभी भी, अगर आप मेरे ट्वीट्स को अगर आप फॉलो करते हो, या मेरा ब्लॉग अगर आपने फॉलो किया, या मेरे लेख अगर आपने फॉलो किया, हिंदुस्तान के अंदर मैं अकेला आदमी था जिसने सबसे पहले ये लिखा कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान की राजनीति में इम्पोज करने की कोशिश की जा रही है, ये बिल्कुल उसी तरीके की आहट है जैसे जर्मनी के अंदर हिटलर को इम्पोज करने की कोशिश की जा रही थी। आशुतोष, आपको यहाँ पर रोकना पड़ेगा, वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बातचीत करेंगे। आशुतोष बता रहे हैं किस तरह से भारतीय राजनीति में हिंदुस्तान की सियासत में नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट किया जाता है। यहाँ पर वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटते हैं तो बातचीत जारी रहेगी। जिसने मुझे अपने पैरों पे खड़े होने का, अपने दम पे जीने का मौका दिया, मेरा वोट उसी को, मेरा वोट कांग्रेस को। फ्रेश फ्रूट्स का फ्रेश टेस्ट, टॉप्स जैम, लाइफ में लाए मजा। दिल की बात आपके साथ, सुनिए सोनिया गांधी जी को सोमवार 14 अप्रैल शाम 8:57 पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम। हम बातचीत कर रहे हैं आशुतोष से, बता रहे हैं किस तरह से हिंदुस्तान की सियासत में बहुत सिस्टमैटिक तरीके से नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट किया जाए। आपको क्या लगता है, ये जो प्रोजेक्शन मीडिया के थ्रू नरेंद्र मोदी का हुआ है, इसमें कोई डिजाइन आप देखते हैं, कोई इसमें आप सिस्टमैटिक एक प्लानिंग देखते हैं, या जस्ट हो गया? नहीं, ये एक बहुत बड़ा खतरा है हिंदुस्तान का। हमारे पास अभी भी बहुत सारे लोग जो है शुतुरमुर्ग की तरीके से अपना सिर छुपाए हुए हैं। उनको इस बात का एहसास नहीं कि नरेंद्र मोदी नाम का जो ये शख्स है, ये भारत की राजनीति और भारत की मीडिया को इस कदर ये खत्म कर देगा कि भारत का लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के साथ कह सकता हूं, और मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं, आज हिंदुस्तान के टेलीविजन चैनल का शायद ही कोई एडिटर होगा जो इस दबाव में ना हो कि नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करे। आशुतोष, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। मैं भी एक न्यूज़पेपर का ग्रुप एडिटर हूं और उसका चैनल भी देखता हूं, लेकिन मेरे ऊपर अभी तक कोई ऐसा दबाव नहीं है कि मैं नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट करूं, और हम लोगों ने किया भी नहीं। हाँ, जो खबरें उनकी होती है वो चलती है। आपका एक बड़े पत्रकार के रूप में होना, आप बड़े जर्नलिस्ट हैं, आपको सारे लोग उससे जानते हैं, आपका ये कहना कि मीडिया के ऊपर दबाव है, आपने इससे पहले ये कहा कि मीडिया बिकी हुई है नरेंद्र मोदी के हाथों, इस तरह के, क्या आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं आप उसी पेशे को अंडरमाइन कर रहे हैं, डिमीन कर रहे हैं जिसमें आप खुद रहे हैं? मुझे लगता है नजरिया बदलने की जरूरत है। अगर मैं मेरे अंदर ये मतलब आज आप बाहर हैं तो आप कहिएगा कि लोग बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं जब अंदर था तब भी
होता क्या है, जब मैं अंदर था तो मैं बीए ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन के एक संगठन हमने खुद हम लोगों ने मिलकर बनाया था, उसके अंदर जो तमाम लड़ाइयां हमने लड़ी थी वो पब्लिक डोमेन में नहीं था। लेकिन क्या है, अगर आज मीडिया ने, आपने जो बीए का जो नाम लिया उसके भी मित्र आपके बारे में थोड़ी दूसरी राय रखते हैं, रखते होंगे, रखते रहोगे, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा जो ये खतरा है, ये खतरा बहुत बड़ा खतरा है। अगर ये चौथे खंभे को भी उसी तरीके से बर्बाद कर दिया गया जिस तरीके से बाकी तीनों खंभों को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हमारे यहाँ मीडिया बहुत इंडिपेंडेंट है, बहुत स्वतंत्र, बहुत पावरफुल है, ये पहली बार ऐसा अटेम्प्ट है जब पैसे के बल पे मैनिपुलेशन के द्वारा लालच देकर और जोर जबरदस्ती करके मीडिया को बाकायदा प्रेशराइज किया गया है कि वो नरेंद्र मोदी के व्यू पॉइंट को रिस्पेक्ट करे। अब आपको पता है कौन लोग बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, मुकेश अंबानी खुद नरेंद्र, और नरेंद्र मोदी किसके पीछे पूरी डिजाइन है। चलिए मुकेश अंबानी की बात आपने की, मुकेश अंबानी के बारे में आप और आपके पार्टी के जो लीडर हैं अरविंद केजरीवाल हमेशा कुछ ना कुछ इल्जाम लगाते रहते हैं, उनके ऊपर गैस को बड़ी कीमत पर बेचने का आरोप लगा है, उसका जवाब उन्होंने दिया है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आप लोगों पे यह इल्जाम लग रहा है कि गैस की कीमत को लेकर के जिस तरह से लोगों को यह बताया गया कि इसकी वजह से एलपीजी का दाम बढ़ जाएगा और पेट्रोल का दाम बढ़ जाएगा, कहीं कोई कनेक्शन नहीं है, तो कहीं आप लोग भी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अच्छा एक बात आप मुझे बताइए कि जो गैस $2.34 पर यूनिट के हिसाब से बिकनी तो 17 साल के लिए वो एक दूसरा इशू है, लेकिन उसका लेट मी कंप्लीट $2.34 पर यूनिट 17 साल के लिए, उसको $4 आपने कर दिया, फिर अब वो $8 होगा, और इस दौरान जो पूरी जो ऑयल जो गैस कुएं थे उनमें सिर्फ 17% की खुदाई हुई, बाकी के 83% खुदाई नहीं हुई, और नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र सरकार को लिखती कि उसको $14 पर यूनिट के हिसाब से बेच दिया जाए। तो पहले तो सवाल का जवाब होना चाहिए कि भाई ये जो चीज 2.34 के हिसाब से 17 साल बिकनी थी उसको आपने $8 करने का काम क्यों किया, जबकि उसी की एक सब्सिडियरी कंपनी निकू जो बांग्लादेश को 2.34 के हिसाब से बेचती है, वही 2.34 के हिसाब से बांग्लादेश में बिकता, हमारे यहां 8 और नरेंद्र मोदी सरकार कहती 14। तो पहले तो इस सवाल का जवाब मिलना चाहिए कि आखिर ये इसके पीछे कौन सी साजिश है, कौन लोग कर रहे। दूसरी बात, ये वही गैस है जिस गैस से आप आगे चलकर बिजली उत्पादन में मदद मिलेगी, फर्टिलाइजर बनने में मदद मिलेगी, तो अगर गैस के दाम अगर बढ़ेंगे तो फर्टिलाइजर के भी दाम बढ़ेंगे, बिजली के भी दाम बढ़ेंगे, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं हमारे ख्याल से। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ 54,000 करोड़ का पर ईयर का अगर भारत के सरकारी खजाने अगर चूना लगेगा तो किसी न किसी की जिम्मेदारी तो होगी। आशुतोष आप बात कर रहे हैं कि वो गैस की दाम बढ़ी और उससे पेट्रोल बढ़ेगा और जाहिर सी बात है उसके रिजल्ट में सारी चीजें होंगी, लेकिन ये बात आई कि जिस तरह से आप लोगों ने कुछ लोगों के खिलाफ इल्जाम लगाए, आपने लिस्ट जारी की कि ये लोग बेईमान हैं और ये लोग, उसमें कुछ नाम ऐसे भी थे जिनको लेकर के सबको ये संशय था और सबके मन में ये बात थी कि ये नाम उसमें क्या है, जैसे राहुल गांधी, उनके ऊपर क्या इल्जाम है अभी तक करप्शन का। मैं क्लैरिफाई कर दूं कि जिस दिन ये नेशनल काउंसिल की मीटिंग में ये नाम आ रहे थे तो उस दिन राहुल गांधी का नाम उस लिस्ट में नहीं था। यानी आप इसका मतलब ये मान रहे हैं कि राहुल गांधी आप लोगों की नजर में करप्ट नहीं है अभी तक, कम से कम उनके भ्रष्टाचार के उतने गंभीर आरोप नहीं लगे, ये बात मैं मानता हूं आपकी। रॉबर्ट वाड्रा पर आरोप लगा है, ठीक है, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा को बचाने का काम कहीं ना कहीं राहुल गांधी का कहीं भी कोई इन्वॉल्वमेंट अभी तक उसमें नहीं, अभी तक कोई गंभीर आरोप नहीं लगा, इसलिए उनका नाम लिस्ट में नहीं था, ये मैं आपको बहुत क्लियरली बताना चाहता हूँ। आपको नहीं लगता है कि जिस तरह का बयान दिया कुमार विश्वास ने उसकी वजह से आम आदमी पार्टी की छवि को थोड़ा नुकसान हो रहा है, थोड़ा वो वोट जो सेकुलर वोट है, वो वोट जो थर्ड ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहा है, वो वोट जो कांग्रेस से नाराज है, आपकी तरफ उम्मीद लगा के देख रहा था, उसके मन में एकाएक ये बात आ गई कि उनके एक बहुत बड़े और शीर्ष के नेता, एक बड़े नेता इस तरह की बात कर रहे हैं। देखिए पार्टी के अंदर तमाम विचारधाराओं के लोग होते हैं, जिस तरीके से आजादी के पहले कांग्रेस पार्टी में एक जमाने के आचार्य कृपलानी थे और दूसरे बहुत तमाम एक्सट्रीम राइट के लोग भी थे, एक्सट्रीम लेफ्ट के लोग थे, उनकी अपनी अपनी विचारधारा, उनके अपने अपने विचार हैं, लेकिन पार्टी की राय और पार्टी लाइन ये बिल्कुल अलग चीज है, और पार्टी लाइन को आर्टिकुलेट करने का काम पार्टी स्पोक्सपर्सन का है, मैं पार्टी का स्पोक्सपर्सन। क्या आप लोगों को विश्वास दिला सकते हैं कि अगर जितनी सीट भी आम आदमी पार्टी को लेकर आती है अगर एनडीए को जरूरत पड़ती है तो सवाल ही नहीं उठता है, हम सांप्रदायिकता से किसी तरीके का कोई कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, न कभी करेंगे। व्यक्तिगत राय है या पार्टी की राय? ये पार्टी की राय है, नरेंद्र मोदी को हम देश का सबसे बड़ा सबसे खतरनाक चीज मानते हैं, एक तरीके का फैसिज्म इस देश के अंदर लागू करने का काम है, इसलिए
अरविंद केजरीवाल ने तय किया है कि बनारस के अंदर नरेंद्र मोदी को हराने का काम करेंगे और वो सारा कैंपेन छोड़ के 14 तारीख से लेकर 12 मई तक वो एक महीने वहां रहेंगे, सिर्फ इसलिए कि नरेंद्र मोदी को हर हालत में हराना चाहिए क्योंकि वो देश के लिए खतरनाक है। कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग आम आदमी पार्टी की और कांग्रेस की और दूसरी पार्टियों की हो सकती है नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक कैंडिडेट को मदद करने की, ऐसी कोई बात आपकी जानकारी? देखिए, यहाँ अंडरस्टैंडिंग का तो सवाल ही नहीं उठता। नरेंद्र मोदी को हराना है, किसी भी हालत में उनको हराना है। आपको कांग्रेस और सपा का सपोर्ट लेना, किसी तरीके का कोई सपोर्ट लेने का सवाल नहीं पैदा। यानी अकेले अरविंद केजरीवाल हरा लेंगे? अरविंद केजरीवाल आज की तारीख में हिंदुस्तान के सबसे लोकप्रिय नेता है, इसमें किसी तरीके की कोई शक नहीं होना चाहिए। कैसे लोकप्रिय नेता? अब मैं आपको बताऊं, बढ़ रहा है लोग ये तो प्रायोजित कार्यक्रम आप करते रहिए, किसी को पैसे दे दिए और किसी को थप्पड़ लगा दो। अगर ये पैमाना है, यहाँ पे वक्त हो गया ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसी पर बातचीत करेंगे कि क्या वजह है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर इस तरह के हमले हो रहे हैं। लेते हैं ब्रेक। मजदूर है भारत के मजबूत हाथ। मजदूर भाई बहनों को मिलेगी मुफ्त दवाइयाँ और इलाज की सुरक्षा, साथ में पेंशन की गारंटी भी। कांग्रेस की टीम है आपके साथ, हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। आशुतोष जी बता रहे थे कि अरविंद के ऊपर जो पिछले कुछ दिनों में हमले हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं से प्रायोजित हैं, कहीं ना कहीं से स्पॉन्सर्ड हैं, कहीं ना कहीं से पूरे तरह से सुनियोजित और प्लान है। आपके पास क्या दलील है? जी, दलील की बात बिल्कुल। देखिए, क्या हिंदुस्तान के अंदर एक खास तरीके की विचारधारा आरएसएस और बीजेपी थोपना चाहती है। वो विचारधारा नफरत की विचारधारा है। जो बंच ऑफ थॉट जो गुरु गोलवलकर ने लिखा था, हिंदुस्तान के तीन दुश्मन, पहला मुसलमान, दूसरा क्रिश्चियन, तीसरा कम्युनिस्ट। लेकिन भारत मुखर तरीके से आशुतोष ने कभी आरएसएस के ऊपर बात की, पहले क्यों नहीं? आरएसएस को जितना मैंने क्रिटिसाइज किया है उतना हिंदुस्तान में बहुत कम लोगों ने क्रिटिसाइज किया है, और बिना लाग लपेट के मैंने क्रिटिसाइज किया है। चलिए, आप ये बताइए कि आप क्यों मानते हैं कि ये जो हमले हो रहे हैं, कुछ लोगों का ये मानना है कि इसको कंडेम करना चाहिए और इसकी मुखालफत होनी चाहिए और हर लेवल पे इसको कोई भी सपोर्ट नहीं करता है कि किसी भी आदमी के ऊपर इस तरह से हमला किया जाए। लेकिन अभी जिस तरह के बयान आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से और दूसरी पार्टियों के लोगों से, वो ये कह रहे हैं केजरीवाल जी अपने आप को न्यूज में बनाए रखने के लिए, अपना रेलिवेंस बनाए रखने के लिए इस तरह की चीजें करवा रहे हैं। बीजेपी से ज्यादा झूठ इस दुनिया में कोई नहीं बोलता। उनका क्या है, वो कहते हैं कि आप लोग बोलते हैं, उनके यहाँ एक बाकायदा प्रोपेगंडा की मशीन चली हुई है। वो जो है वो तो भाई गणेश जी को भी दूध पिला देते हैं, आपको तो पता है ना, गणेश जी को भी दूध पिलाने की उनकी आदत है। और वहाँ एक सिद्धांत है, सूचना के आगे सोचना नहीं। वहाँ कह दिया गया कि भाई दिन में रात है, रात में दिन है, तो वो चला देते हैं वो लोग। और आरएसएस की यही सबसे बड़ी खासियत यह है कि झूठ को सच, सच का झूठ करने में माहिर है। लेकिन एक बात देखिए, हमको आपको समझना पड़ेगा, और वो बात यह कि इस देश के अंदर नफरत की राजनीति, ये नफरत की राजनीति थी जिसने 1948 में महात्मा गांधी की हत्या की थी। आज फिर उसी नफरत की राजनीति को इस देश में फैलाने का काम किया गया है, इसलिए अरविंद केजरीवाल पर लगातार हमले हो रहे हैं। और ये खतरनाक बात है, क्योंकि राजनीति के अंदर हम एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते हैं, दुश्मन नहीं होते। हमले नहीं होने चाहिए, लेकिन जिस तरह से ये हमले हो रहे हैं उसमें लोगों का ये भी मानना है आशुतोष कि शायद लोगों में एक फ्रस्ट्रेशन है, एक गुस्सा है, इसलिए कि कुछ लोग वो भी हैं आपके ऊपर हमला करने वाले जो आम आदमी के कार्यकर्ता रहे हैं। फैसल भाई, जरा ये बताइए, इस देश के अंदर 1,72,000 करोड़ रुपए का घोटाला होता है, 1,86,000 करोड़ का घोटाला होता है। लोगों की नफरत, लोगों का गुस्सा इन लोगों के खिलाफ नहीं है। लोगों का नफरत और गुस्सा उस शख्स के खिलाफ है जिसने चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को लात मार दिया। ये तो झूठा प्रचार किया जा रहा है। जो देश को लूट रहे हैं, जो देश को लूटने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ नफरत नहीं है। और जिस आदमी ने उसूलों के आधार पर अपनी कुर्सी, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी, उनके खिलाफ नफरत है। मधु कोड़ा के खिलाफ नफरत नहीं, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नफरत। क्या बात कर रहे हैं आप लोग, ये झूठा प्रचार है। बीजेपी वालों की आदत है प्रोपेगंडा करने की। ये कहते हैं भाई अरविंद केजरीवाल ने क्यों कुर्सी छोड़ दी, क्योंकि प्रधानमंत्री बनना चाहते। ऐसा लगता है जैसे प्रधानमंत्री की कुर्सी बगल में तो लगी हुई। नहीं, जैसे प्रधानमंत्री कुर्सी बगल में खड़ी हुई, यहाँ से उठी और वहां चली गई। बढ़िया, क्लियर दिखता है कि उन्होंने छोड़ा, बड़ा गोल सेट कर लिया, गोल पोस्ट सेट करते रहे। बड़ा गोल, आप जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री हो गए, अब उसके बाद तो प्रधानमंत्री। हाँ, तो ये क्या आप इस बात को मानते हैं
क्या आप इस बात को मानते हैं कि प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली पड़ी हुई है? उसके लिए लड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री कुर्सी खाली पड़ी हुई है और वहां जाके बैठ जाएंगे, कितना आसान है। तो नरेंद्र मोदी साहब को तो आज से 10 साल पहले कुर्सी छोड़ के बैठ जाना चाहिए। जैसे कुर्सी जैसे दूसरे लोग हैं उम्मीदवार, वैसे ही कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल भी उम्मीदवार है। फैसल भाई जरा आप मुझे समझाइए, क्या आप इस बात को यकीन करते हैं कि आम आदमी पार्टी 272 सीट लेके आने वाली है? क्या आप ये मानते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है 150 सीट लेके आने वाली है? तो किस बिना पे आप कह रहे हो प्रधानमंत्री बनने वाले? नहीं, आप लोगों का क्या अंदाजा कितनी सीट आने वाली? नहीं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। नहीं, आपने आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपसे ही सवाल पूछ रहा हूँ कि आप अपने वोटर्स को क्यों फिर कह रहे हैं कि वोट दो आम आदमी पार्टी को, जो आप सरकार नहीं बना सकते? फैसल भाई, आप सरकार नहीं बना सकते, क्यों वोट मांग रहे हैं? फैसल भाई, पहले सवाल का जवाब, ये जो प्रोपेगेंडा है ना कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, अरे प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो पहली बात, क्या कुर्सी खाली वहां जाके बैठ जाएंगे? दूसरी बात, प्रधानमंत्री आदमी तब बनता है जब 272 सीटें लेके आता है। हमें इस बात का अंदाजा, हम 272 सीटें लेके नहीं आ रहे, तो किस बिना पे प्रोपेगेंडा किया जा। जहां तक आपने सवाल ये पूछा है कि भाई उन्होंने कुर्सी क्यों छोड़ी, ये आपने सवाल किया, देखिए कुर्सी क्यों छोड़ी ये उसूलों का मसला है। हम 3 साल से लगातार आंदोलन कर रहे थे जन लोकपाल बिल के लिए। हमने विधानसभा चुनाव के पहले कहा था कि हम सरकार में आएंगे तो 1 महीने के अंदर हम जन लोकपाल बिल बनाएंगे। हमने जब जन लोकपाल बिल बनाने का काम शुरू किया तो बीजेपी और कांग्रेस विधानसभा में एक हो गए, उनके उनके 40 हमारे 27। जाहिर सी बात है आप जन लोकपाल बिल नहीं पास कर सकते थे। हमको लगा कि हमने लोगों से वायदा किया, हम उस वायदे को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने एक उसूलों लोगों को ये लग रहा है कि आपने जल्दबाजी कर दी। नहीं, ये लोगों का परसेप्शन हो सकता है, लेकिन जरा ये बताइएगा मुझे फैजल भाई, हिंदुस्तान तो छोड़ दीजिए, दुनिया के नक्शे पर ऐसे कितने नेता हैं जो मुख्यमंत्री की कुर्सी को लात मारने का जिगरा रखते हैं? आप जरा मुझे सवाल, जिस देश के अंदर मुख्यमंत्री की कुर्सी पाने के लिए तमाम तरीके के समझौते किए जाते हैं, शायद यही वजह है कि आप लोगों से लोगों को उम्मीदें और आकांक्षाएं ज्यादा बढ़ गई और शायद उसके लिए वजह से भी आपको दिक्कत हो रही है। एक बहुत अहम चीज है आशुतोष जी, जिसका सवाल जवाब मुझे नहीं मिल पाता है। आपको माइनॉरिटी वोट बहुत मिल रहे हैं, बहुत सपोर्ट हो रहा है। पिछले असेंबली इलेक्शन में भी आप लोगों ने देखा, आपकी अपनी आंतरिक जो व्यवस्था है उसमें भी आपको पता चला होगा कि आप लोगों को किस तरफ लोग आ रहे हैं। लेकिन उनकी एक शिकायत भी है, जब केजरीवाल साहब गए थे इंडिया इस्लामिक सेंटर, वहां भी ये बात उठी और कई मंचों से उठी कि मुसलमानों के इश्यूज को आप लोग उस तरह से नहीं हैंडल कर रहे हैं जैसे करना चाहिए। मुसलमानों के कुछ जो बुनियादी इश्यूज हैं वो आप लोग उसके ऊपर कभी खुल के बात नहीं किए। अगर दिल्ली ही की बात करें, दिल्ली में 7 सीट है पार्लियामेंट की और ये माना जा रहा था, आपको ही पता है कि जो कॉम्पोजिशन है, सोशल कॉम्पोजिशन है वो क्या है, 1 सीट भी आम आदमी पार्टी ने किसी माइनॉरिटी के लोग को नहीं दी, क्या कारण? देखिए, मैं आपकी बात, आपकी राय से सहमत हूँ। मुझे लगता है कि जब सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए तो कम से कम इस बात का ख्याल होना चाहिए कि हम तमाम जो समाज के लोग हैं उनका इक्वल रिप्रेजेंटेशन टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भी हो और दूसरी जगह पर हो। नहीं हो पाया, एक अलग मसला है। लेकिन माइनॉरिटी लगता है कि अगर एक भी माइनॉरिटी का कैंडिडेट आपको मिलता है दिल्ली में तो सारे दूसरे कैंडिडेट के लिए आसान होता रहा। देखिए, जो बात आप कह रहे थे मैंने वही बात कही जी। मैं ये जरूर चाहता हूं कि माइनॉरिटीज को भी अब ये देखना चाहिए कि जिन लोगों ने 67 साल से माइनॉरिटीज के साथ धोखा देने का काम किया। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि इस देश के अंदर मुस्लिम 13.4% है, सरकार में उनका रिप्रेजेंटेशन कितना है, 2.34%। और कौन पार्टियां थी जो रहनुमा बन रही थी? कांग्रेस पार्टी। अगर कांग्रेस पार्टी ने इस देश के अंदर मुसलमानों की 13.4% की हिस्सेदारी के बावजूद नौकरियों में से 2.34% किया, तो आज मुस्लिम तबके को भी ये सोचना चाहिए कि कांग्रेस उसकी रहनुमा है या कांग्रेस ने उसके साथ धोखा। चलिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, कहीं भी इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन आशुतोष, आपको ये बात भी समझ में आती हो, आप पत्रकार हैं, कि आपने मुसलमानों को कुछ दिखाया नहीं है, कुछ बताया नहीं है, वो क्या चीज है जिसको देख के मुसलमान आपके पास आएगा वोट मांगने? देखिए, माइनॉरिटी के लोग आएंगे आपके पास? देखिए, मैं तो सारी माइनॉरिटीज की बात, मैं तो साफ बात कहता हूं कि इस देश के अंदर हम जब भी मेजॉरिटी माइनॉरिटी, मैं थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बात कह रहा हूँ, जब भी मेजॉरिटी माइनॉरिटी की बात कहेंगे हमेशा नुकसान माइनॉरिटी का होगा, क्योंकि मेजॉरिटी हमेशा बड़ी होगी, माइनॉरिटी हमेशा छोटी होगी। आज ये वक्त आ गया है कि हमको हिंदू और मुसलमान के खांचे से अलग होकर, हमारा धर्म क्या है, हमारा मजहब क्या है, ये हमारी अपनी व्यक्तिगत जिंदगी, लेकिन हम लोग हिंदुस्तानी। ये बीजेपी कांग्रेस वाले चाहते हैं कि हम आपको बताएं आप मुसलमान हो, मुझको बताया कि मैं हिंदू हूं, आप माइनॉरिटी हो, आप मेजॉरिटी हो, क्योंकि जब वो हमको बांटने की नहीं। मेरा आपसे सीधा सवाल है कि आप क्या दलितों के रिजर्वेशन को भी अपोज करेंगे, आप इसी ग्राउंड पे जिस पे आप मुसलमान के बारे में कह रहे हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत है हमको मुस्लिम तबके को वोट बैंक पॉलिटिक्स से ऊपर उठना पड़ेगा।
रिजर्वेशन का गाजर दिखा के जितना जितना नुकसान किया गया इससे ज्यादा नुकसान नहीं हो सकता। मुलायम सिंह जी कहते हैं हम 18% कर देंगे, तो वो कहते हैं 19 कर देंगे। कितना नुकसान किया गया? हकीकत यह कि आज मुस्लिम तबके की शिक्षा के बारे में आवश्यकता से ज्यादा कोशिश करने की जरूरत है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जो आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे मुस्लिम नौजवान एक दहशतगर्दी के आरोप में पकड़े जाते हैं, वो बरसों जेल में रहते हैं और जब छूटते हैं तो उनको बेगुनाह कहकर के अदालत छोड़ देती है, लेकिन उनको लेकर के भी किसी पार्टी में जैसे क्लियर कोई बात नहीं है, वैसे आपकी पार्टी में भी उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं हुई। नहीं, हमारा जो मैनिफेस्टो था दिल्ली असेंबली का, उसमें साफ तौर पर लिखा गया था कि आतंकवाद के मसले पर किसी भी शख्स को अगर पकड़ा जाए तो उसका टाइम बाउंड तरीके से उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और 6 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट लगाकर उसका रिजल्ट सामने आना चाहिए। ये नहीं कि आपने मालेगांव के 6 साल तक आपने जेल के अंदर रखा और उसके बाद आपने कहा बाइज्जत बरी कर, ये बहुत ही गलत बात है। आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता, ना वो हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, लेकिन अगर कोई बेगुनाह आदमी, हम ये नहीं कहते आतंकवाद के खिलाफ अगर लड़ना है तो आपको कुछ लोगों को गिरफ्तार भी करना पड़ेगा, उसमें कुछ इनोसेंट लोग भी पकड़े जाएंगे, लेकिन अगर हमने ये तय कर दिया कि जो पकड़ा जा रहा है उसकी समय रहते इन्वेस्टिगेशन हो जाए, समय रहते फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए उसके मामले का निपटारा हो जाए, और अगर वो गुनाहगार है तो जेल भेज दीजिए, अगर बेगुनाह है तो उसको बाइज्जत बरी करिए, न केवल बाइज्जत बरी करिए बल्कि उसको रिहैबिलिटेशन की पूरी कोशिश की जानी चाहिए, क्योंकि एक बार आदमी अगर आतंकवाद के तहत अगर जेल चला गया तो उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है। आपसे एक सीधा सवाल आशुतोष कि आप माइनॉरिटीज के अपलिफ्ट के लिए, ओवरऑल उनके अपलिफ्ट के लिए क्या प्रोविजन आप समझते हैं कि होना चाहिए? मेरा तो साफ तौर पर कहना, देखिए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होना चाहिए। इंटीग्रेटेड अप्रोच के तहत सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि हम उनको रिजर्वेशन दे देंगे, हम उनको गाजर दिखा, नहीं, एजुकेशन से लेकर एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट दोनों को जोड़ने की जरूरत है, और साथ ही साथ उनको एक कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है कि आप हिंदुस्तान की मुख्य धारा के अहम हिस्से हैं, जैसे कि भारत की आबादी के दूसरे लोग भी हैं। जब तक आप ये कॉन्फिडेंस, अभी तक क्या है, डराने की राजनीति की जा रही है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी, डराते हैं मोदी आ जाएगा, फलाना आ जाएगा, ढिमकाना आ जाएगा। आज वक्त इस बात का है कि खुद मुस्लिम तबके को खड़ा होना पड़ेगा, उनकी जो एस्टैब्लिश्ड लीडरशिप है उसको चैलेंज करना पड़ेगा और उनसे सवाल करना पड़ेगा कि तुमने हमें 67 सालों में दिया क्या है, सिर्फ इस नाते कि मोदी आ जाएगा, बीजेपी आ जाएगा, इसलिए मैं जो है किसी उस आदमी को वोट दे दूं जो उनको हराने की कोशिश करेगा। मुझे लगता है कि उनको अपनी इंडिपेंडेंट सोच डेवलप करनी पड़ेगी, और बड़ी खुशी की बात यह है कि जो मुस्लिम तबके का जो यंग वोट, जो यंग आदमी है, जो 18 से 24 से 25 साल का है, आज उसकी थिंकिंग बिल्कुल अलग है। आपसे एक सवाल, आम आदमी पार्टी को वो कौन सी 3 चीजें आप कह सकते हैं कि उसको देख करके वोटर्स वोट दे? कौन सी चीजें? मुझे एक चीज बताइए जिसको देखकर। मैं तो एक ही चीज कहता हूं कि हर आदमी ये कह रहा है कि आम आदमी पार्टी तो खुद ही कंफ्यूज पार्टी है। देखिए जो कहते हैं अब उनके बारे में क्या टिप्पणी कर दूं? आपके मैं तो सीधी सी बात कहता हूं कि इस देश के अंदर पहली बार एक ईमानदार राजनीति कोशिश शुरू हुई है। एक आज आम आदमी पार्टी की लीडरशिप को लेकर कोई ये नहीं कह सकता ये बेईमान लोग है, कोई ये नहीं कह सकता ये स्कैमस्टर है, कोई ये नहीं कह सकता ये घोटालेबाज है, ये कोई नहीं कह सकता। और जिस दिन इस देश के अंदर ईमानदार लोगों को वोट देने का काम शुरू, मेरे जैसा आदमी राजनीति में आ रहा है, या आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं चुनाव लड़ने के 70 लाख रुपए खर्च कर सकूं। मेरे दोस्तों ने मेरी मदद, आपकी पार्टी को तो बहुत चंदा मिला है, बाहर से मिला है? बिल्कुल नहीं मिला, 15 करोड़ रुपए मिले, लोग कहते हैं फोर्ड फाउंडेशन से मिला है। अरे ये तो बीजेपी वालों का, कांग्रेस वालों का प्रोपेगंडा है। कई बार हाईकोर्ट में मामला जा चुका है, हाईकोर्ट में खुद दिल्ली जो सेंट्रल होम मिनिस्ट्री है उसने क्लैरिफिकेशन दे रखा है कि हमने सारी जांच पड़ताल कर ली है और जांच पड़ताल के बाद कुछ भी नहीं मिला। आशुतोष, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नाज़रीन, आप देख रहे थे बातचीत आशुतोष से, इन्होंने बहुत सफाई के साथ एक दो बातें कही हैं कि आम आदमी पार्टी के राजनीतिक पटल पे आने से एक चीज तो बिल्कुल साफ है कि कहीं ना कहीं जो सियासत में एक साफ सुथरे छवि के लोगों का आने का सिलसिला शुरू हुआ है, इसलिए शायद आशुतोष भी आज इलेक्शन लड़ रहे हैं। दूसरी बात यह कि और जितनी पार्टियां हैं उन्होंने बहुत साफ कहा है कि मुसलमानों के हवाले से अगर बात करें तो सारी पार्टियों ने मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ ठगा है और कोई ना कोई डर दिखा के, कभी इनका कभी उनका, डर दिखा करके उनको वोटों का उपयोग किया, उनको एक वोट बैंक की तरह
इस्तेमाल किया है। आज वक्त आ गया है कि मुसलमानों के पूरे ओवरऑल ग्रोथ के लिए एक कहीं ना कहीं स्कीम, एक कहीं ना कहीं सोच और एक कहीं ना कहीं प्रोग्राम्स बनाने की ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं कि आम आदमी पार्टी के ये नुमाइंदा जब सरकार में आए तो उनकी ये सारी बातें उनको याद रहे और अपनी वादों को ये पूरा करें। आज तकरार में बस इतना, अगले हफ्ते फिर किसी नई शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, आदाब।